राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? आज तो होली से पहले ही ठंडी ठंडी हवा चलने लगी है और अब लग रहा है कि होली भी नज़दीक है। भले ही यहाँ ठंडी ठंडी पुरवैया चल रही है, लेकिन प्रीता और करण तो ठंडी का मजा लेने के लिए मनाली गए हैं, वो भी हनीमून पर। वही अनुपमा की ज़िंदगी में भी धीरे धीरे तूफान दस्तक देने वाला है और ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं खुद सगाई के लिए अभिमन्यु की आरती उतारेगी अक्षरा। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी जानने के लिए आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए रोज की तरह शुरू करते हैं चुगलियों का सिलसिला। अनुपमा में आज का एपिसोड तो माया और काव्या की राम कथा में ही चला गया। पहले काव्या वनराज की करतूत बताती है तो माया बेशर्मों की तरह अनुज से प्यार की बात काव्या के सामने कबूल करती है। हमें तो हैरानी इस बात की है कि कैसे कोई इतना बेशर्म हो सकता है। माया के अंदर तो किसी चीज़ का डर ही नहीं बचा है। डर तो छोड़ो, एहसान भी नहीं है उसके अंदर कि अनुपमा की वजह से ही वो कपाड़िया हाउस में रह रही है। होता ये है कि अनुपमा अनुज को वनराज की हरकत के बारे में सब कुछ सच सच बता देती है। बेचारी एक भी बात नहीं छुपाती अनुज से। अनुज कहता है कि हमें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अब अनुपमा कहती है कि बात ज़रूरी नहीं थी, लेकिन हमने एक दूसरे से सब कुछ बताने का वादा किया है। अब अनुज को ये सुनकर ज़्यादा धक्का लगा क्योंकि वो तो कुछ ना कुछ छुपा रहा है। अनुज चाहकर भी अनुपमा को सच बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है क्योंकि वो उसे दुखी नहीं देखना चाहता। उधर काव्या माया से मिलने के लिए अनुपमा के घर पहुंच जाती है। काव्या माया से माफ़ी मांगती है कि वनराज की वजह से सब कुछ खराब हो गया, लेकिन वो दोबारा ऐसा नहीं करेगी। अब काव्या भावनाओं में बहकर माया के सामने वनराज की हरकत के बारे में बताती है कि आज भी वनराज के दिल में अनुपमा के लिए कुछ है, लेकिन अनुपमा के लिए वनराज के कोई मायने नहीं है। अब माया के हाथ काव्या ने एक नया ब्रह्मास्त्र दे दिया है जिसे वो समय आने पर इस्तेमाल करेगी। अब माया भी अपने दिल की बात काव्या से कहती है कि उसे अनुज से प्यार हो गया है। अब ये सुनकर काव्या को ज़ोरदार धक्का लगता है और वो कहती है कि जो गलती उसने की वो दोबारा ना करे क्योंकि अनुज और अनुपमा के बीच जो भी आएगा वो बर्बाद हो जाएगा। लेकिन माया कहती है कि प्यार ने उसके मन से सारे डर को निकाल दिया है। अब माया कहती है कि अनुज को भी उससे प्यार हो गया है क्योंकि उसने पिकनिक वाली बात अभी तक अनुपमा को बताई नहीं है। काव्या समझाती है कि अनुज और अनुपमा दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और अनुज ने तो पूरे 26 साल अनुपमा का इंतज़ार किया था। मतलब अब देखना होगा कि अनुपमा को काव्या सच बताती भी है या उसे छिपा कर रखती है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं अक्षरा को खुश देखकर मंजरी ने तो मिम्मी का जन्मदिन ही बिगाड़ दिया। कायरव तो शादी की बात सुनते ही तुनक गया, लेकिन अभिमन्यु उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। अभिमन्यु रूही को लेकर अपनी भावनाएं बताता है कि रूही उसके लिए कितनी ज़रूरी है। वो कहता है कि रूही अगर चांद तारे तोड़ने के लिए भी कहेगी ना तो वो तोड़ कर ला देगा। अब कायरव कहता है कि वादा करना तो आसान है, लेकिन उसे निभाना मुश्किल है। जिसके बाद आरोही शादी के फैसले के बारे में मनीष से पूछती है तो मनीष साफ इनकार कर देता है, जिसे सुनकर मंजरी को बुरा लगता है। मनीष कहता है कि बेटी देने से पहले उसे सोचने का समय चाहिए। जिसके बाद घर जाकर अभिमन्यु मंजरी से सवाल करता है कि उसने ऐसा क्यों किया। अब मंजरी कहती है कि उसे भी तो लोगों को बताना था कि उसका बेटा बेचारा नहीं है और वो ज़िंदगी में आगे बढ़ गया है। अब मंजरी की इस हरकत से घर में कोई भी खुश नहीं है। उधर कायरव अक्षरा से कहता है कि जो गलती तूने की वही आरोही करने जा रही है तो उसे समझा ले। लेकिन अक्षरा कहती है कि एक माँ के तौर पर आरोही का फैसला बिल्कुल ठीक है। अब आने वाले एपिसोड में अभिमन्यु की सगाई तय हो जाएगी और खुद अक्षरा उसकी आरती करेगी। वहीं कुंडली भाग्य में प्रीता और करण तो मनाली हनीमून पर निकल गए हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वहाँ भी उनके लिए खतरा इंतज़ार कर रहा है जिसका नाम है नताशा और रॉक्सी। होता यह है कि 6 साल बाद करण और प्रीता मिले हैं और दोनों के दिलों में बहुत सारी बातें हैं। दोनों ही इमोशनल होकर अपने दुख भरे दिनों को याद करते हैं। प्रीता कहती है कि उसके बिना गुजारा हर पल उसके लिए कितना मुश्किल था। वो कहती है कि वो रात के अंधेरे कमरों में भी करण की तलाश करती थी। अब करण प्रीता के आंसू पोंछता है और उससे कहता है कि अब वो एक मिनट के लिए भी उसे कहीं छोड़कर नहीं जाएगा। वहीं दूसरी तरफ समीर सिस्ट्री को धीरे गाड़ी चलाने के लिए कहता है।
वो कहता है कि मनाली पहुंचने की बजाय कहीं हम मौत के मुंह में ना पहुंच जाएं। अब सिस्टी उसे देखती है और कहती है कि उसे शर्म आनी चाहिए कि जब वो अपनी बहन की जान खतरे में है तो उसे बचाने के लिए वो तेज़ गाड़ी चला रही है। उधर नताशा भी उसी होटल में जाकर रुकी है जहाँ करण और प्रीता रुके हैं। अब नताशा प्रीता को देख लेती है। अब देखना होगा कि नताशा प्रीता को देखकर कौन सा नया प्लान रचने वाली है। वहीं गुम है किसी के प्यार में पत्र लेकर एक बार फिर विराट की सभी घरवालों के सामने घोर बेइज्जती करने वाली है। तो वहीं अश्विनी खुद सई पर गलत आरोप लगाने वाली है। होता यह है कि पाकी विराट और सई को लेकर घर में बवाल करती है। उसे विराट की शर्ट में सई का झुमका मिलता है, जिसके बाद वो पूरे परिवार के सामने विराट और सई को लेकर सवाल करती है। पाकी घरवालों के सामने सई के झुमके को फ्रेम में लगा देती है। उधर सई को अपना झुमका नहीं मिल रहा है, वो पूरे घर में ढूंढती है। अब पत्रलेखा की टेंशन कम करने की जिम्मेदारी भी अश्विनी ने ले ली है और वो कहती है कि वो खुद जाकर सई से बात करेगी। अश्विनी सई के पास जाती है और कहती है कि विराट और पत्रलेखा का बसा बसाया घर मत उजाड़ो। आज पत्रलेखा विराट की पत्नी है और तुम दूसरी औरत हो। अब अश्विनी के मुंह से ऐसी बात सुनकर सई रोने लगती है और कहती है कि आपको तो मैंने माँ माना था, लेकिन आज वो रिश्ता भी बदल गया। आने वाले एपिसोड में सई पाकी और विराट की जिंदगी में उनका 8 साल पुराना दोस्त सनी वापस आएगा। अब सनी घर आते ही विराट से पूछेगा कि इन 8 सालों में कितना कुछ बदल गया। आने वाले एपिसोड में आपको बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, ये तो थी आज के सीरियल्स की जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। हम आपसे फिर मिलने आएंगे इसी समय पर। राम राम।